हाय दोस्तों, जा इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये हायर का टीवी रिपेयर करने वाले हैं, तो चलिए हम इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने सप्लाई दे दिया है, लेकिन ये देखिए एलईडी नहीं लग रही है और टीवी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने खोल दिया है और खोलने पर ये देखिए पावर सप्लाई का ये देखिए बड़ा वाला कैपेसिटर खुल गया है दोस्तों। और ये देखिए इसका जो फ्यूज है वो फ्यूज भी ब्लो हो चुका है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए हम इसके एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर से हम अभी चेक करेंगे। तो ये देखिए इसका फ्यूज जो है वो कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए इसका मतलब फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर डायोड चेक करते हैं दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों डायोड चेक करने पर डायोड शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों, ये देखिए सारे के सारे डायोड शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों डायोड तो शॉर्ट है, तो इससे पहले हम ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर भी चेक करते हैं। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने से भी ये डायोड शॉर्ट दिखाते हैं। तो ये देखिए कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार पीसीबी के ऊपर से देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर तो ख़राब है इसका, और ये ट्रांजिस्टर और ये डायोड, ये सारे पार्ट हम निकालेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, सारे पार्ट मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए ये कैपेसिटर, ये देखिए इसकी वैल्यू, ये देखिए, और ये ट्रांजिस्टर। तो चलिए हम ये दोनों पार्ट पहले चेंज करेंगे दोस्तों, और ये पीएफ भी दोस्तों ये जल चुका था ये। तो चलिए इसे लगाते हैं। लगाने से पहले हम ये डायोड चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर चेक करने ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने पर भी ये डायोड शॉर्ट दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये डायोड शॉर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों हमारे डायोड जो है वो ठीक है। हम ये ट्रांजिस्टर पीएफ और ये कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये नया वाला कैपेसिटर है। तो देखिए इसकी वैल्यू भी 220, ये देखिए 450 वोल्ट है, और ये पीएफ और ये नया वाला ट्रांजिस्टर। तो चलिए दोस्तों इसे लगाते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर ट्रांजिस्टर और पीएफ मैंने लगा दिया है। तो चलिए एक बार डिस्प्ले पर देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, पीसीबी को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे सप्लाई देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सप्लाई दे दिया है और यहाँ की एलईडी जल चुकी है और हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।